हेलो हाँ जी, मुन्ना क्या बोलते नहीं? जी बताइए। हाँ बताइए। जी भैया प्रणाम। हम सिंगर शिवम सिंह बंटी बोलते नहीं आरा से। जी भैया, कहते रहे कि रितेश पांडे जी के वो गाना रिलीज भइल आज की ए भुअरी मिले ऐबे किनारे। तो हाँ जी हाँ भैया, ई गाना लगभग 1 साल पहले रउवे लिख के ई हमरा के देले रही। आ मान ली हम कुछ कमी से है गाना के ना गा पावल रही है गाना के, वो हमारे से पेमेंटो ले ले बनी। क्यों ना हाँ, चाहिए। ए गाना के रौरा। एकरा बना रहूंगा के 4 गाना हम लिखले रहनी। एकरा बाद में 2-3 गो गाना आरु एकरा के अरे की ना गाई हम। जी ठीक नहीं, बा। जी नहीं, हाँ हाँ उस सैड सॉन्ग हम कहे थे कि नहीं गाएंगे, अच्छा लेकिन ये गाना का हम डमी नहीं दे चुके हैं आपको, हम डमी भेजवा देंगे भैया। ये अगर गाना आपको ऐसा बोलते हम नहीं लगता गाएंगे। है कि हम इसको मना किए थे, तो इसका हम डमी नहीं आपको भिजवा देंगे भैया। सैड सॉन्ग में जो आप लिखे थे वो पसंद नहीं था, तो उसके बाद आप दोबारा सैड सॉन्ग लिखे थे फिर वो। ये काम ठीक नहीं ना भैया? ठीक कौन काम ठीक नहीं। अब हमको ठीक सिखा रहे हैं। साल भर सिखा के बाद हमको फोन कर गए। नहीं भैया, मान लीजिए कि हम हमको उस गाने का डमी दे रखे हैं, कुछ कारण से हम उसको नहीं गा पाए। हमको साल भर के बाद ठीक सिखा रहे हैं जी। ठीक सिखाने का बात नहीं है भैया, आप मान लीजिए कि हमको वही दे दें या फिर किसी और को दे दें, सही बात है। जबकि आप हमसे पेमेंट ले चुके हैं, आपको हम पैसा दिए ना भैया, तो तो आपको गाना नहीं बोलने का लिखा अधिकार है। तो रखते हैं ना भैया हम। नहीं इसके लिए नहीं रखते हैं क्योंकि आपके इसके बाद बहुत सारे गाना लिखे थे। आप इसको बोले थे कि नहीं आएंगे। इसके लिए नहीं लिखे थे सर, ये आपको धुन भी हम ही दिए थे सर, तो हम ही क्यों बोलेंगे कि हम इस गाने को नहीं गाएंगे? आपको क्या बोलते भैया कि इस धुन पे गाना लिखिए, ये धुन आपको हम ही दिए थे। चलिए हम बाद में बात करते हैं आपसे। थोड़ा सा काम है। ये ठीक काम नहीं है भैया। बहुत अच्छा है। आप ठीक है आपको लगता है। ठीक मान लीजिए हमारे पास उस टाइम पैसा नहीं हो पाया था, सोचे कुछ दिन बाद पैसा गाएंगे, रुपया से तो कोई मतलब आप नहीं है। किसी और ऊपर से से गवा काम का देंगे, ठीक मैटर बात नहीं ना भैया? किसी और से। तो मैटर आपका आते थे जी कि हम नहीं गाएंगे हम माने ऐसा थोड़ी, 6 महीना के बाद उसको गवाए। ऐसा कुछ बात नहीं है सर, आपका सारा अब आपको प्रूफ, लगने लगा ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है सर, लगने लगा के बात नहीं है। हम मान लीजिए कुछ कारण कारण से उस टाइम नहीं गा पाए, तो आप मान लीजिए नहीं। कारण या दूसरा होता है। कारण आप क्या बोले थे आपको पता होना चाहिए। अगर इसका पेमेंट आप नहीं लिए होते तो आप बोल सकते थे, लेकिन हाँ, अरे आपको जब इसके लिए दिए हम हैं, उसके बाद हमसे गारा नहीं लिखवाए हैं उसके बाद। लिखवाए हैं, तो हाँ आप सैड सॉन्ग के लिए लिखे हैं गाना, वो तो एक कौन सैड कौन सॉन्ग सा आप भेजे लिखे थे थे, हमको। कौन आप एक सैड, कौन सा भेजे थे। आपको हम 5,000 रुपया भेजे थे, दो गाना का, 5 रुपया कौन गाना हम आपको भेजे थे लिख के। कौन दो गाना का भेजे थे, तो एक सैड सॉन्ग हमको गाना पसंद, भेजे थे मतलब तो यही तीन आप। तीन चार गाना भेजे थे आप, तो सैड सॉन्ग पसंद नहीं आया था 4 गाना हम हमको, भेज रहे तो किसी उसके को। बदले आप बदल के भेजे थे किसी, हम ठीक है आपको कोई और लिख देते हैं, तो सैड सॉन्ग के बदले आप हमको लिख के दिए थे भैया। चलिए ठीक। हेलो, क्या बोलिए? क्या बोले हम क्या बोले आपको। तो ये ठीक काम नहीं ना भैया। मान लीजिए आप लोग इतने, मतलब कि आप लोग का नाम इज्जत है, आप लोग ऐसा करेंगे भैया तो ठीक नहीं लगता भैया ना। आप लोग के पास हम लोग कुछ उम्मीद लेके फोन करते हैं भैया, कि आप हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे भैया। अरे मुन्ना मोहित नाम कोई छोटा मोटा नाम थोड़ी है सर, और मुन्ना मोहित अगर ऐसा करें तो फिर, बहुत लोग का प्रेम जगता है ठीक ना। हाँ भैया, बहुत आज आपका प्रेम जग रहा है उसके प्रति जो इग्नोर करके साल भर के बाद फोन करता है आदमी। इग्नोर इग्नोर हम क्यों करेंगे सर? हम मान लीजिए कि अच्छा, उसके बाद आप आपका गाना नहीं आपका निकाले हैं। कर्तव्य, आपका कर्तव्य क्या बनता है कि जब बंदा मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मेरा जो आदमी का जो किए नहीं करना है तो नहीं करना है। हो गया। अरे ऐसा, तो हम इस गाने के बारे में नहीं कहे थे सर, अगर हम चलिए ऐसा इस आप गाने के बारे हमसे में कहे मतलब होते तो इसका हम डमी दिए होते, हमसे उस मतलब टाइम का इस डमी विषय हम पर रखे ज्यादा हैं मत भैया। बात करिए तो अच्छा रहेगा। जी भैया, हमसे इस विषय पर नहीं बात करिएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है भैया।